आपने इनको बोलते हुए सुना, मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी मंदिर के एक पंडित जी के साथ बैठा हुआ हूँ। और यही खतरनाक बात होती है जब हम धर्म को राजनीति में लाने लग जाते हैं। धर्म एक बड़ा ही इमोशनल विषय होता है। प्रिया ने बोला कुछ था, आपने उसके वक्तव्य को, मैंने अपना सवाल भी जोड़ा था आपने। यही तो घपला चल रहा है इस देश में, यही फोर्जरी चल रही है। कहना कुछ होता, कह कुछ देते हैं। एकादशी थी और सुनिए, 22 अब 22 जनवरी एक सेकंड ये और पीछे तुम्हें पीछे ले जाएंगे। हाय एवरीवन, आप सब लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और बीजेपी पार्टी इसका क्रेडिट ले रही है। इस पर विवेक श्रीवास्तव ने सुधांशु त्रिवेदी का और उनकी पार्टी का क्या काम है वो बताया। और दूसरी तरफ एक लड़की ने राजकुमार भाटी जी से सवाल किया, जिसको गोदी मीडिया गुल्लू मिर्च मसाला लगाकर बता रहा है। देखिए आप लोग। चलो भाई, देखो अपने क्या करता। सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे करते हैं। तो करना, कहते हैं कि जो राम रच देते हैं वो हो ही जाता है आखिरकार। लेकिन अब ये 500 साल बाद मंदिर बन रहा है, लेकिन सियासी उठापटक इतनी तेज हो गई है। सैम पित्रोदा विदेश से कह रहे हैं, गांधी परिवार के करीबी, कि उनको देख के बहुत बुरा लग रहा है किस तरह से पूरा देश राम मंदिर पे अटक गया है। बात तो सही है। तो वही है जो पुलवामा के बाद बोले थे कि अगर कुछ लोगों ने किया है तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर क्यों हम लोगों ने उसको इतना दंड दे दिया, यानी अटैक के बाद। तो वो क्या बोलते हैं वो एक अलग बात है, उसके बारे में वो बताएं। परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये सनातन का स्वर्णिम काल नहीं, ये विश्व के लिए एक स्वर्णिम काल आ रहा। क्यों? अभी प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे थे, बोल सियावर रामचंद्र की जय, यानी भगवान राम के साथ सियावर रामचंद्र की जय बोला जाता है। काशी में क्या बोला जाता है, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ये जो है शिव और शक्ति, और ये कब हुआ है, अब चांद पे भी शिव शक्ति हो गया है। इसलिए भगवान राम का इस स्वरूप में आना, ये 500 साल नहीं, ये कई हजार साल पहले की भारत की जो चेतना थी संपूर्ण विश्व को देने के लिए आया। और एक पंक्ति और कह दूं साहब, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, मानो पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। मेरे मित्र बीजेपी से सांसद हैं, क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, इनका काम है वहाँ पे प्रश्नों को उठाना देश के लिए, चाहे इनकी अपनी पार्टी अपनी सरकार को भी हिदायत देना, सुझाव देना, क्वेश्चन करना स्टैटिस्टिक्स के आधार पर, नौकरियों के लिए, एजुकेशन के लिए। सही बात है। आपने इनको बोलते हुए सुना, मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी मंदिर के एक पंडित जी के साथ बैठा हुआ। और यही खतरनाक बात होती है जब हम धर्म को राजनीति में लाने लग जाते हैं। धर्म एक बड़ा ही इमोशनल विषय होता है। धार्मिक पंक्तियां, चाहे वो कुरान की आयत हो चाहे वो रामायण की चौपाई, उसको सुनाने के बाद भावुक कर देना एक स्वाभाविक बात हो जाती है। और उसी भावुकता में आकर के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए सांसद का कार्य प्रश्न करना है, चौपाई सुनाना नहीं। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। ये पहली बात हुई। कोई राम के खिलाफ नहीं है इस देश में, कोई पार्टी राम के नाम के खिलाफ नहीं है, कोई पार्टी अयोध्या के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने एक वक्तव्य दिया, कोर्ट में एक लड़ाई थी, ठीक है। एक सेकंड, 1992 के बाद जब वो ढांचा गिराया गया, जी, इन्होंने कहा कि मंदिर का एक संघर्ष चला, कोई संघर्ष, कोर्ट में संघर्ष चला है, कोर्ट में लड़ाई चली है। आप अपनी कहानियां बंद करिए। अभी राम मंदिर बन रहा है, क्यों हम राम नाम के नाम पे पॉलिटिक्स ला रहे हैं? क्या जो इतने सारे इंडियन से उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंच? बच्ची का जो सवाल है, और सवाल बहुत डायरेक्ट है, कि राम मंदिर कोई बीजेपी क्या से जुड़ा हुआ एजेंडा नहीं है, राम मंदिर में तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। हालांकि आपके एक नेता हिंदुओं को आजकल बहुत कुछ कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपको हिंदुओं का वोट अब नहीं चाहिए? अभी पता चलेगा। उसने बिटिया ने बोला कुछ था, आपने उसके वक्तव्य को, मैंने अपना सवाल भी जोड़ा था आपने। नहीं नहीं नहीं, यही तो घपला चल रहा है इस देश में, यही फोर्जरी चल रही है। कहना कुछ होता, कह कुछ देते हैं। सही पकड़े हैं। करोड़ों लोगों की राम में आस्था है, किसी की आस्था को चोट पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है। सबको अपनी अपनी पूजा पद्धति अपनाने का, अपने अपने धर्म स्थल बनाने का देश में अधिकार है, संविधान हमारा अधिकार देता है। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में जो राम के अलावा किसी दूसरे ईश्वर को मानते हैं, कृष्ण के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, पार्वती के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं। और राम भक्तों में भी दो तीन कैटेगरी हैं। राम के भक्त तुलसीदास भी हैं और राम के भक्त कबीर भी हैं। तुलसीदास दूसरे राम को मानते हैं, कबीर दूसरे राम को मानते हैं। दोनों राम को ही है ना। कबीर मानते हैं कि
दशरथ सुत त्यू लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। हाँ। कबीर कहते हैं दशरथ के बेटे का नाम सब लेते हैं लेकिन राम तो कोई और है, राम नाम का मरम है आना। तुलसीदास सगुण ईश्वर को मानते हैं, तुलसी कहते हैं सिया राम मैं सब जगजानी करो प्रणाम जोर जो पानी। तुलसी सगुण राम को मानते हैं, अवतार को मानते हैं, अवतारवाद को मानते हैं, कबीर निर्गुण राम को मानते हैं। तो मतभेद हैं, जवाब दूंगा। जिनके मतभेद हैं उन्हें देश से निकाल देंगे क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। 9 नवंबर 1989 को जिस दिन शिलान्यास हुआ था राम जन्मभूमि का, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। और 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन पहली कार सेवा जिसमें गोली चली उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब संयोग मानिएगा या कुछ, 9 नवंबर 2019 को जब शांति से बोलिए, 9 नवंबर 2019 को जिस दिन जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, बस यही 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 तुक्का गिरी में देश को अंधकार में ले जाओ। सुनिए, आपसे बहस करने को तैयार हूं, विश्वास में से देश पिछड़ेगा। अरे बच्चों थी और सुनिए, 22 जनवरी एक सेकंड, ये और पीछे तुम्हें पीछे ले जाएंगे। अरे आप 5,000 साल 10,000 साल बोल दीजिए, मतलब एक सेकंड और कितनी देर बोलना चाहते हैं? साइंटिफिक विचारधारा के हिसाब से रहिए, सब झूठ है। क्या है साइंटिफिक विचारधारा? एक मिनट में सब साइंस पे सवाल। साइंटिफिक विचारधारा क्या है? 1992 में साइंटिफिक विचारधारा क्या है? इनको एक मिनट बोलने दीजिए। जजमेंट राम मंदिर का आया वो कोर्ट ने दिया, कोर्ट जो कहेगा सबको मानना चाहिए, सबने माना, कोर्ट के हिसाब से चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली देश में होनी चाहिए। 20th सेंचुरी की थ्योरेटिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी थ्योरी आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी आप सबको पता होगा, जिसने कहा एक्स वाई जेड के अलावा चौथा डायमेंशन टाइम का है। ठीक, तभी टाइम में आगे पीछे जाने की बात आई, साइंटिफिक बात कर रहा हूं। टाइम का एब्सोल्यूट एक्यूरेट मेजरिंग पैरामीटर बताइए, जो जैसे आज आप अभी कहते हैं कि इस समय मान लीजिए जो भी टाइम 5 बज रहा है, तो ये तो दिल्ली में बज रहा है ना, लंदन में अलग टाइम है, न्यूयॉर्क में अलग टाइम है, टोक्यो में अलग टाइम है, तो एक जीएमटी है, स्टैंडर्ड मीन टाइम। उसी ढंग से टाइम का एब्सोल्यूट मेजरिंग पैरामीटर बताइए जो धरती पे, अर्थ पे, मून पे, मार्स पे और एनी पॉइंट ऑफ द सोलर सिस्टम में लागू होता हो, बताइए साइंटिफिक पैरामीटर का नाम बताइए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपने आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी जो साइंस के बच्चे हैं अपने स्कूल में पढ़ी है, E=mc2, हर सुनते जाओ पहले। अरे मैं मोशन में जा रहा हूँ, स्टॉप डिस्टर्बिंग मी नाउ। मैं तुम्हारी तरह चौपाइयां नहीं सुनाता। विज्ञान की बात करता हूँ, साइंस की बात करो। इमोशनली ब्लैकमेल करते हो। उसी रिलेटिविटी के अंदर चाहे टाइम हो, चाहे लेंथ हो, डिस्टेंस हो, हर चीज रिलेटिव है। और फॉर्मूला क्या है? T=T₀/√1 − m²/c²। यही है ना कि नहीं है? सुना दिया फॉर्मूला, ठीक है। अब E=mc² का विश्लेषण ये बताएं, अब E=mc² का विश्लेषण ये बताएं। ठीक है, अब आपने बोला और ये गलत कहेंगे तब मैं उसे सुधारूंगा। ठीक ठीक। अरे भाई, मैंने तो पूछा था टाइम का पैरामीटर बता पाए। सुना दीजिए, आप चौपाई सुनाइए, आपके लिए वही ठीक है। बार-बार आइंस्टीन वामपंथियों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक ठीक, वो आपके बस की नहीं है। अच्छा ठीक, आप जवाब दो, आइंस्टीन वामपंथी देश में हुए थे? बोलो भाई, इरविन श्रोडिंगर वामपंथी देश में हुए थे? प्लीज और बात मत करो। अरे मार्क्स को तो कुछ नहीं आता था, मार्क्स साइंटिस्ट था ही नहीं था भाई। एक साइंटिस्ट बताइए जो वामपंथी देश में हुआ। अब चलिए, आइंस्टीन तो कार सेवा में आए थे अयोध्या। अब सुनिए, आइंस्टीन कार सेवा में आए थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।